नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। बदायूं जिले के विसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। बदायूं के विसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आशा संगिनी को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में से 30% हिस्सा VCPM लेती है, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। VCPM से तंग आकर लगभग 2 दर्जन आशा संगिनियों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। ये पूरा मामला बदायूं जिले के विसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पूनम नाम की आशा संगिनी ने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में से 30% राशि मनीषा रस्तोगी VCPM पर लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि मनीषा रस्तोगी VCPM बार बार आशा वकर को धमकी देती है कि अगर आपने हमारा हिस्सा नहीं दिया तो आप सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रही है। हम आपको बता दें कि मनीषा रस्तोगी इससे पूर्व विलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात थी। वहां भी विवादित रहने व अवैध वसूली की शिकायत पर उन्हें विलसी से हटाकर विसौली में तैनात कर दिया। इसके बाद एक फिर से आशाओं से रुपये मांगने का ऑडियो वायरल हो गया। उन्होंने बताया है कि VCPM डिलीवरी केस पर भी रुपये मांगती है, जिसमें VCPM मनीषा रस्तोगी रुपये मांगते सुनाई दे रही है। इस संबंध में लगभग 2 दर्जन आशाओं ने जिलाधिकारी व CMO को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई विभागीय अधिकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार ही नहीं है। इस संबंध में जब CMO प्रदीप कुमार वोशनेय से जानकारी ली गई तो बताया कि जांच कमेटी बिठाई दी गई, जांच के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि इन पर कार्यवाही होती है या इस मामला में यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। वाइट पीड़ित आशाओं की वीडियो अन्य आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता प्रदीप पाल बदायूं से ये लेटेस्ट खबर। किस लिए आई हैं आप सभी आशाएं इकट्ठी होके, क्या है पूरा मामला? सर, हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। जो भी हमारा कहते हैं काम करते हैं उसका हमारा कुछ बनता नहीं बनता है। हर काम के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। जो भी काम हो वो साफ साफ कहती हैं कि हम जो भी मतलब देंगे आप पहले उसका 50% हमारे लिए डालिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट करा जाएगा। कौन मांगती है ये? VCPM। क्या नाम है उनका? मनीषा रस्तोगी। ये कहाँ पे है? अच्छा, वही तो नहीं है जिनका वीडियो आईडी वगैरह वायरल हुआ है? तो उसमें कोई पहले भी कोई दी है आपने शिकायती पत्र वगैरह? सर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है। हम लोगों की औकात ही नहीं है सर, बिल्कुल भी। हम लोगों को कोई सुनने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी। अब किसको दिया है आपने शिकायती पत्र? शिकायती पत्र को लेने वाला ही नहीं है, खड़े हैं हम तो। मैं आपका कहाँ से आई है आप? अच्छा, ये क्या है मामला जो सब आशाएं इकट्ठी हो गई CMO ऑफिस आई है? मनीषा रस्तोगी मेरे जिलों की बिसौली ब्लॉक पर इसने हम लोगों को परेशान करके रख दिया है। अच्छा, क्या बात हुई है जो ये डिलीवरी पे हम लोगों से 300 रुपए मांगती है जी, और 2000 रुपए इसने अभी सब सारी आशाओं से लिए हैं और फिर भी पैसे नहीं डाले हैं, और डिलीवरी का एक भी पैसा नहीं डाला है। पूरी साल हो गई। किस पोस्ट पे है ये? ये VCPM बिसौली पे जी। अच्छा, कोई शिकायती पत्र पहले दिया था आपने? दिया। क्या हुआ उसमें? SDM को दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और CMO सर को भी दिया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो आज दे दिया आपने शिकायती पत्र? लेके खड़े तो हैं। किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया। हम लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं है।